दोस्तों ये कहानी एक ऐसे लौंडे की है जिसके पास पूरी दुनिया को रोकने की पावर आ जाती है, जिसके बाद ये हर एक लौंडे को रोककर उनको नंगी धड़ंगी करके उनका स्केच बनाता है और उनसे भटाभट 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 करता है। तो चलिए देखते हैं ये लौंडा क्या क्या करता है। अगर आपको हमारे टेलीग्राम के चैनल पर ज्वाइन होना है तो हो सकते हो। कहानी की शुरुआत में हम इसी लौंडे लूला का अपनी बंदी सूजी से ब्रेकअप होते हुए देखते हैं, जो लूला से कहती है, डालने लगा तू, चीखने लगी मैं, हुआ इतना दर्द कि सह ना सकी मैं, तकलीफ हुई इतनी, बोली बाहर निकाल लो, खुदा के वास्ते मेरी दुकान में डाल लो। दरअसल लूला ने सूजी की दुकान में अपना हैंडपंप नचा दिया था। वो होता है ना, हम अपनी इच्छाओं को कैसे रोक सकते हैं। कुछ लड़के ऊपर की जगह नीचे भटाभट 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 कर देते हैं, जिसको हमारी फारसी भाषा में कहते हैं गासफांड मासफारना, और यही कांड हमारे लूला भाई ने किया था। तो इसी पर सूजी कहती है, भोसड़ी के अंधा है क्या, देख के तो भटाभट भटाभट कर लेता। और वो उस पे एक गिलास फेंक के मारती है, जिससे हमारे लूला का सर फट जाता है। अगले दिन लूला सूजी को किसी और लौंडे के साथ मजे करते हुए देखता है, तो वो मन में सोचता है, तेरी याद में रातें इस तरह कट रही हैं कि सुबह सुबह खड़ा होने से मूत की धार भी 1 किलोमीटर जा रही है। और पहले क्या कहती थी, लूला रे झांट मत नोचो, इससे कंबल बनाना है, ना चादर है ना तकिया, अभी जाड़ा भी बिताना है। इसके बाद लूला सैड होके बैठ जाता है। तभी लूला का बचपन का यार बाजी आता है, जो उसे समझाता है, भाई सूजी को तेरे से बड़ा मिल गया है, शायद इसीलिए वो उसके पास चली गई है। और तू उसके बारे में क्या सोच रहा है, मेरे पास 2 आइडिए हैं, पहला मुठ मार के सो जा, और दूसरा तू किसी मालदार लौंडिया को पटा के सूजी को जेलस कर सकता है, जिससे वो अपनी गेंद हिला के तेरे पास आएगी। लेकिन लूला उसकी एक भी बात नहीं मानता, क्योंकि बाजी खुद लौंडिया बाज है और ये सभी लौंडिया से मार खाता रहता है। लूला एक आर्टिस्ट बनना चाहता था, जब भी उसकी ड्राइंग क्लास होती थी तो वो हमेशा लौंडियों को ही ड्रॉ करता था और हमेशा उसे सूजी की याद आती रहती थी। एक रात लूला सूजी को कॉल करता है और उससे पूछा, क्या हम फिर से एक साथ रह सकते हैं? लेकिन सूजी ने उसे मना कर दिया, जिससे वो पूरी तरह से टूट जाता है। वो दिन रात बेड पर ही पड़ा रहता था सूजी के जाने के बाद, जैसे उसकी ऑक्सीजन चली गई हो, और वो उसे बहुत मिस करता है, जिससे लूला की नींद भी चली जाती है। वो सोने की बहुत कोशिश करता है लेकिन वो सो नहीं पाता। वो अपनी लाइफ में बहुत कुछ करता था लेकिन हमेशा उसे सूजी की याद तड़पाती रहती थी। यानी हम कह सकते हैं ये सूजी का पक्का आशिक हो गया था। एक दिन लूला मॉल में जाता है, जहां पर वो एक नोटिस देखता है कि उन्हें काम के लिए एक स्टाफ की जरूरत है। तो लूला सोचता है, वैसे भी मुझे नींद नहीं आती तो मैं यहाँ जॉब कर लेता हूँ। उसके साथ एक लड़की काम करती थी जिसका नाम सायरा था, और वहीं लूला एक बात नोटिस करता है कि उसका बॉस सायरा के साथ बहुत ही अजीब तरह से पेश आ रहा था। वहीं पर 2 बंदे और, बैरी और मैक काम करते थे, जो हमेशा एक दूसरे के साथ गेम खेलते रहते थे। और वहीं लूला हमेशा सूजी की याद में रहता था और वो मन में सोचता है कि काश मैं इस दुनिया को रोक सकूं। तभी लूला देखता है कि मॉल में सब लोग स्टॉप हो चुके हैं और वो पूरे मॉल में घूमने लगता है और सारी लौंडियों को बड़े प्यार से देखने लगता है और उन्हें छूने लगता है। उसे लगता है कि लड़कियों में कुछ अलग ही पावर होती है। वो जब छोटा था तो एक लड़की उसके घर में रहने आई थी, वो बहुत ही ब्यूटीफुल थी, वो हमेशा उसे ही देखता रहता था। लूला जब भी टाइम को स्टॉप करता था तो वो लड़कियों को नंगी धड़ंगी करके उनका स्केच बनाता था और उनसे भटाभट 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 करता रहता था। ऐसे ही कई दिनों तक लूला अपना टाइम बिताता है। अगले दिन लूला से मिलने उसका दोस्त बाजी आता है, जो उसे समझाता है, बेटा तू अपनी ब्रेकअप और सूजी की लाइफ से बाहर आ जा और अपनी न्यू लाइफ स्टार्ट कर। बाजी जब लूला को समझा रहा था तो लूला उस टाइम को भी स्टॉप कर देता है और वो अपने बचपन में डूब जाता है कि पहले हम दोनों जिगरी यार थे और वो दोनों मिलकर गंदी गंदी मैगजीन देखते थे। और तभी वहाँ पर लूला की मम्मी आ जाती हैं, जो उनसे कहती हैं, ये क्या है? तो वो कहते हैं, पता नहीं, ये पापा की है। वहीं टाइम चालू होते बाजी लूला से कहता है, आज रात को बाहर चलें, लौंडियों की चड्डियां देखेंगे। ये सुनकर लूला को अपने बचपन याद आ जाता है। उनके स्कूल में एक लड़की थी जो पैसों के लिए अपनी कच्ची दिखाती थी, वो सारे लाइन लगाकर उसे देखने जाते थे और खूब मजे करते थे। अगले दिन लूला और सायरा की ताड़ाताड़ी हो जाती है। वहीं लॉकर रूम में सायरा को भूख लगी थी तो वो लूला का सैंडविच मांग लेती है। सैंडविच की चटनी सायरा के गाल पर लग गई थी तो लूला कहता है, तुम्हारे गाल पर सॉस लग गई है। तो सायरा कहती है, कहाँ, चलो तुम ही हटा दो। वहीं पर लूला सायरा को स्टॉप करके देखना चाहता था लेकिन सायरा चली जाती है, वो कुछ नहीं कर पाता। यहाँ वो अब सायरा को लाइक करने लगा था। वहीं जब लूला मॉल में घूम रहा था तो वहाँ मैक कहता है, मेरी आज सायरा के साथ डेट है। ये सुनकर उसे बहुत बुरा लगता है और
और वो मन में सोचता है कि क्यों हमेशा मेरे साथ ऐसा होता है, मैं जिसको भी लाइक करता हूँ वो मुझसे दूर चली जाती है। वो जब छोटा था तो वो अपने टीचर को लाइक करता था, पर टीचर के साथ ये क्या कर पाता, ये खुद झांट भाई तेरा का था। वहीं क्लास में उसकी एक क्लासमेट थी जिसको वो लाइक करता था। एक दिन उसी लड़की का एक्सीडेंट हो जाता है, जब उसका प्लास्टर हटता है तो उसका हाथ बालों से भर जाता है, जिससे सभी बच्चे उसे चुड़ाने लगते हैं। तभी लूला उसके पास आकर बैठता है और कहता है, तुम जैसी हो वैसे ही बहुत ब्यूटीफुल हो। यहीं से ये दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन जाते हैं। एक दिन लूला ने उसे स्कूल के पीछे बुलाया था। वो जब आती है तो कहती है, तुम मुझे किस करना चाहते हो, तो लूला कहता है, हाँ लेकिन कल तुम मुझे यहाँ मिलना क्योंकि कल स्कूल में कोई भी नहीं होगा। अगले दिन लूला स्कूल आता है और वो उसका बहुत वेट करता है, लेकिन वो नहीं आती। बाद में उसे पता चलता है कि उस लड़की का ट्रांसफर हो गया है। वहीं हम प्रेजेंट में देखते हैं जहाँ पर लूला और बाजी बात कर रहे थे। लूला बाजी को सायरा के बारे में बताता है और कहता है कि मैं सायरा के साथ मूवी देखने जाने वाला हूँ। अगले दिन लूला काम पर जाता है तो मैक अपने फ्रेंड से सायरा के बारे में बात कर रहा था। वो कहता है कि मैंने सायरा से भटाभट किया है। ये सुनकर लूला का दिल टूट जाता है। उसी रात लूला और सायरा कॉफी के लिए जाते हैं। वहीं पर लूला सायरा से पूछता है, क्या तुमने मैक के साथ भटाभट किया है, तो सायरा कहती है, ऐसा कुछ भी नहीं है, हम तो बस फ्रेंड हैं। ये बात सुनकर लूला बहुत खुश होता है। इसके बाद लूला सायरा को घर पर छोड़ देता है और वो किस करने वाले होते हैं लेकिन उनसे नहीं हो पाती। अगले दिन उनके मैनेजर ने अनाउंस किया कि उसका बर्थडे आने वाला है, तो सबको मेरे घर पर पार्टी में आना है। वहीं पर सायरा लूला से पूछती है, क्या तुम उस रात मेरे साथ डेट पर चलोगे, तो लूला उसे हाँ कर देता है। आगे इन सभी को मैनेजर बुलाता है। वो लूला से कहता है, मेरे जन्मदिन पर कुछ सरप्राइज स्ट्रिपर भी होनी चाहिए, मैं इसकी जिम्मेदारी तुम्हें देता हूँ। लूला को इस बारे में कुछ नहीं पता था कि वो ये सब कैसे करेगा, इसीलिए वो बाजी की हेल्प लेता है। बाजी उसे क्लब में ले जाता है। वो एक लड़की से बात करते हैं तो वो कहती है, मैं उस रात बहुत बिजी हूँ, मैं अपने फ्रेंड को वहाँ पर भेज दूंगी। कल रात के बाद लूला को हर जगह सायरा ही दिख रही थी। वो टाइम को स्टॉप करके हमेशा सायरा को देखता रहता था। ऐसा ही करते करते कुछ दिन बीत जाते हैं और कल मैनेजर का बर्थडे था। सायरा लूला से पूछती है, क्या तुम अब भी मेरे साथ डेट पर चलोगे, तो लूला कहता है हाँ, और वहाँ से जाते वक्त सायरा उसे चूम लेती है। इतने दिनों से लूला को नींद नहीं आई थी, लेकिन चूमने के बाद लौंडा भर के नींद लेता है। उठने के बाद उसे एक आर्ट गैलरी से फोन आता है। लूले की फोटो उन्हें बहुत अच्छी लगती है और वो उसे मिलने के लिए बुलाते हैं, लेकिन ये सब उसके दोस्त मैक और बैरी उससे मजे लेने के लिए कर रहे थे। रात में लूला सायरा के घर जाता है और सायरा को अपने आर्ट की गुड न्यूज बता देता है। ये सुनकर सायरा को भी बहुत अच्छा लगता है। ये दोनों फिर पार्टी में जाते हैं। वहीं पर लूला सूजी को भी देखता है। पार्टी में बाजी की ऑर्डर की हुई स्ट्रीपर भी आई थी। ये स्ट्रीपर वही थी जिसे लूला और बाजी बचपन में देखने जाया करते थे। वहीं पार्टी में लूला वॉशरूम के लिए जाता है और वहाँ पर सूजी भी होती है, जो लूला को सायरा के साथ देखकर जेलस फील कर रही थी। वो कहती है, तुम मेरे लिए परफेक्ट थे, वो उसे फिर से अपनाना चाहती थी, लेकिन लूला उसे घंटा भाव नहीं देता। तभी सायरा वहाँ पर आ जाती है। वहीं सूजी उसे किस कर रही थी। जैसे ही लूला पीछे देखता है तो वहाँ सायरा गुस्से में जा रही थी। तभी लूला टाइम को स्टॉप कर देता है और वो उसे मनाने के प्लान सोचने लगता है, पर वो कुछ भी नहीं सोच पाता। उसने ऐसे ही 2 दिन तक टाइम को स्टॉप कर दिया। टाइम ऑन होते ही वो सायरा को मना नहीं पाता और वो उसको मनाने उसके घर भी जाता है, पर सायरा उसकी एक बात नहीं सुनती। अगले दिन लूला अपनी पेंटिंग को लेकर उसी आर्ट गैलरी में जाता है जहाँ से उसे कॉल आया था, लेकिन वहाँ के एजेंट उसे बताते हैं कि हमने तुम्हारा कोई भी अपॉइंटमेंट नहीं रखा था। पर एजेंट उसकी ड्राइंग देख लेता है, उसे ये ड्राइंग बहुत पसंद आती है। वो लूला को एक अपॉर्चुनिटी देते हैं कि अब तुम्हारा एक आर्ट शो होगा, जिसका इन्विटेशन लूला सायरा को भी दे देता है। इस एक्सीबिशन में लूला ने केवल सायरा का ही स्केच लगाए थे। तभी लूला नोटिस करता है कि सायरा भी इस एक्सीबिशन को देखने आई है। वहीं पर सायरा चारों तरफ अपनी ब्यूटीफुल पेंटिंग्स को देखकर बहुत हैप्पी होती है और वो लूला को माफ कर देती है। लूला फिर से उसे सॉरी कहता है तो सायरा कहती है, रहने दो, मैं इन पेंटिंग्स को देखकर सब कुछ समझ गई हूँ। तभी लूला सायरा से पूछता है, क्या तुम मुझे पसंद करती हो, तो सायरा कहती है हाँ। तो लूला उसे आंख बंद करने को कहता है। वो उसे किस करता है और उसी समय वो टाइम को स्टॉप कर देता है। अब लूला के साथ सायरा भी आसपास घूम सकती थी। वो सायरा को बाहर लेके जाता है और उसे किस करता है और यहीं पर इस मूवी का एंड हो जाता है। दोस्तों, इस मूवी का नाम कैशबैक है, जो कि साल 2006 में रिलीज हुई थी। अगर आपको ये मूवी और खुल्लम खुल्ला सीन देखना है तो हमारे टेलीग्राम के चैनल पर ज्वाइन हो जाओ। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आई होप अगर आपको
मेरा एक्सप्लेन पसंद आया हो तो आज ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। तो मिलते हैं आपसे ऐसी नेक्स्ट वीडियो में।